राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में पीएचडी स्कॉलर की दर्जनों छात्र छात्राओं ने मांगों को लेकर स्कॉलरशिप बढ़ाने के लिए धरना दिया। इस अवसर पर एनआईटी परिसर में एकत्रित होकर छात्रों ने धरना दिया और संस्थान परिसर से लेकर मुख्य गेट तक प्रदर्शन किया। छात्रों ने एमएचआरडी विभाग पर स्कॉलरों की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगाया और राजनीतिक रंग देकर मांग को अनदेखा करने की बात कही। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कई सालों से स्कॉलर छात्रों द्वारा स्कॉलरशिप बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांग को अनदेखा किया जा रहा है। रिसर्च स्कॉलर के मिलने वाले पैसों को बढ़ाए जाने के लिए काफी बार प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन 2014 के बाद 2018 में स्कॉलर का पैसा बढ़ाया जाना था, जिसे नहीं बढ़ाया गया है। छात्रों ने बताया कि एमएचआरडी के द्वारा आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को महंगाई के दौर में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल छात्र शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन अगर जल्द मांग नहीं मानी जाती है तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि एनआईटी में रिसर्च कर रहे स्कॉलरों के लिए स्कॉलरशिप का पैसा 4 सालों से बढ़ाए न जाने पर छात्रों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, जिसके चलते एनआईटी परिसर में दर्जनों छात्रों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद एनआईटी परिसर में रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। सर, हम डे स्कॉलर्स भी हैं, हम हॉस्टलर्स भी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो परिवार के साथ यहाँ रूम लेके बाहर रह रहे हैं। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि 2014 में स्कॉलरशिप हाइक हुई थी, उसके बाद कोई हाइक नहीं हुई है। तो जो लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, जो लोग जॉब छोड़ के आए हैं, तो एटलीस्ट इतना प्रोवाइड करवाया जाए, इतना स्टाइफन बढ़ाया जाए कि वो इस महंगाई दर को एक मतलब कम्पनसेट कर सके। लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे, एक बैनर है रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आज प्रोटेस्ट चल रहा है 21 दिसंबर को। तो इसमें हमारी जो मेन मांग है वो है रिसर्च स्कॉलरशिप हाइक की मांग है हमारी। लास्ट टाइम 2014 में स्कॉलरशिप जो है बढ़ाया गया था, जितनी भी एजेंसीज हैं एमएचआरडी के अंडर या यूजीसी के अंडर जितनी भी एजेंसीज आती हैं उन्होंने स्कॉलरशिप बढ़ाया था। उसके बाद 2018 में 4 साल बाद फिर से स्कॉलरशिप बढ़ना था, लेकिन जो अप्रैल 2018 से हमारा चालू होना था, लेकिन अभी तक कोई भी डिमांड जो उन्होंने पूरी नहीं की है, और रोज के रोज वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा। तो इसीलिए 21 को ऑल ओवर नेशन ने जितने भी आईआईटीज हैं एनआईटीज हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं साइंस के इंजीनियरिंग के उन्होंने सबने इकट्ठे होकर सारे लोग हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या रहेगा आपका आगे अगर डिमांड नहीं मानते? सर, फिर हम सारे के सारे लोग प्लान कर रहे हैं इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे, पीएमओ ऑफिस जाएंगे, एमएचआरडी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ? बहुत से कम्युनिकेशन हो चुके हैं सर इससे पहले भी, रिसर्च कॉलेज ऑफ इंडिया की तरफ से, पीएमओ ऑफिस में लगातार ट्वीट चल रहे हैं, और एमएचआरडी ऑफिस में लगातार ट्वीट चल रहे हैं। तो वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है हमें। क्या लगता है क्यों अटकाया जा रहा है? सिर्फ सारा का सारा ये जितना भी राजनीति का खेल चल रहा है, स्टूडेंट्स को जितने भी हमारे रिसर्च कॉलेज हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। तो अभी जो लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं 25,000 और 28,000 स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जिसमें जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है उसके अकॉर्डिंग खर्चा जो गुजारा है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए रिसर्च कॉलेज चाहते हैं कि कम से कम जो है जो 7th के पे कमीशन आया है उसके अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट स्केल मिल पाए। तो उसके लिए राउंड अबाउट 40 से 45,000 जो है हमारा जो है हाइक बन रहा है। सिर्फ छोटा सा मुद्दा है कि जो हमारी स्कॉलरशिप है वो नहीं बढ़ाई जा रही है 2014 से लेके आज तक 2018 हो गया, जबकि 4 साल में बढ़ जानी चाहिए थी। तो अप्रैल 2018 में स्कॉलरशिप हाइक होने के चांसेस थे बट वो नहीं हुए। इसी लेके हमारी इंडियन गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आर्थिक सहायता के लिए रिसर्चर्स जो है उनकी आर्थिक मजबूरी समझी जाए, वो अपने परिवार को छोड़ के अपने कैरियर को भी साइड में रखते हुए एक रिसर्च को लेके इतना फोकस कर रहे हैं कि 24 घंटे में से वो कम से कम 18 से 20 घंटे रिसर्च लैब में देते हैं, और जबकि उनको बदले में मिलता क्या है कि उनके परिवार की जो बच्चे हैं, बीवी है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते मात्र 18 से 25,000 रुपये में। तो कम से कम 80 से 100% स्कॉलरशिप तो बढ़ानी ही चाहिए। बस इस छोटी सी मांग को लेकर हम थोड़ा सा ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, हम कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं एनआईटी का, आईआईटीज का, सभी का। तो इसको लेके हम एक साइलेंट मार्च कर रहे हैं ताकि हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए, जबकि कोई भी रिसर्च जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर रिसर्च पे फोकस नहीं होगा तो कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसलिए कंट्री की ग्रोथ के लिए हमें नेशन की ग्रोथ के लिए रिसर्च पर फोकस करना पड़ेगा। रिसर्चर की आर्थिक जो व्यवस्था है या आर्थिक मजबूरी है उनकी, उनको देखते हुए उनको स्कॉलरशिप बढ़ा देनी चाहिए। बस इतनी